वीक है, तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है फर्स्ट, फोकस फर्स्ट ऑन कंसेप्ट, यानी कि सबसे पहले कंसेप्ट पर फोकस करो कि कंसेप्ट को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे। अभी कंसेप्ट क्या चीज होती है सर, ये तो बता दो। कंसेप्ट होता है आपका बेसिक बेसिक डेटा। जैसे कि आप फिर से बार बार फंस जाते हो, जैसे कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 12.5% को 1/8, मैं कह देता हूँ 37.5% आपका 3/8, ये मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, ये मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं कह दूंगा कि भैया कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ 6/5, 20% की वृद्धि को। ये कंसेप्ट होता है। अगर आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो क्वेश्चन को आसान बनाती हैं, वो अगर क्लियर है ना, तो वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर ये क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग द कंसेप्ट, देन अगर आपका कंसेप्ट ओके है, यानी कि आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है पूरा, तो कंसेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है, तो सीधी सी बात है कि आप प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें। यानी कि जहां सेशन प्रैक्टिस का चल रहा हो, जहां आपको क्वेश्चन मिल जाए होमवर्क में, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, कंसेप्ट ना पढ़े, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है सर, एनटीपीसी क्लियर करवा दो। देखो मेरे हाथ में नहीं है एनटीपीसी क्लियर करवाना, मैं आपके साथ 100% लग सकता हूँ, और मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि इस बैच में से सिलेक्शन होंगे। लेकिन अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। सर 1:30 बजे वाली क्लास बंद मत कीजिए, स्पीड, हाँ मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है जिनका, देखो अब बता दूं किसी की एडवांस, किसी की एडवांस मैथ की बात कर लेता हूँ। एडवांस मैथ में सब, एडवांस मैथ क्या है? एडवांस मैथ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे बेस्ड है, आप पता है, यानी कि केवल और केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। और मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि ट्रिपलेट हो गया, जैसे कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल वाला पार्ट हो गया, जैसे कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो गई, ये मेजरली। अब मेंसुरेशन की बात करता हूँ, मेंसुरेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ज्योमेट्री आपके टफ आता नहीं है, बहुत इजी ज्योमेट्री आती है आपके, आप चाहो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना, अभी आप टेंशन ना लेना। मैं आपको ज्योमेट्री के आपके पिछले कितने भी सालों में जो रेलवे में प्रश्न आए ना, वो सारे के सारे करवाने वाला हूँ, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना टफ आता है, कितना आसान आता है। ठीक है, एडवांस मैथ मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी एक एक कंसेप्ट। जो बच्चे हैं, जैसे जानवी है, सौरभ है, सर्वेश है, ये बहुत सारे, पल्लवी है, इन्होंने एडवांस मैथ पढ़ा है, और मैंने एडवांस मैथ का कोर्स कर, राजेश है, रितेश है, सौमेन है, ये सब ने एडवांस मैथ पढ़ा है मेरे से, और एडवांस मैथ का लेवल मैंने रखा था हाई, क्योंकि मैंने ये बोला भी था आपसे कि मैं हाई लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री का कोर्स कब कराओगे? ज्योमेट्री का करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आपकी दोबारा डिमांड होगी और टाइम होगा, तो मैं करवा दूंगा। मेजर फोकस मेरा रहेगा प्रैक्टिस पर, क्योंकि अगर मान के चलो एक महीने बाद एग्जाम आ गया, तो क्या कोर्स करोगे क्या? बताओ मेरे को, अगर मान के चलो एक महीने बाद एग्जाम होगा, तो क्या कोर्स करोगे? नहीं कर पाओगे, आपको फिर जरूरत होगी प्रैक्टिस की। तो जो आपके टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ ना, उनको स्ट्रॉन्ग करो भाई। अगर मान के चलो आपको ज्योमेट्री पढ़ना है ना, तो आप 12:30 बजे क्लास में पढ़ सकते हो, और यहाँ भी मैं करवा दूंगा, जैसे भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये कोर्स खत्म हो जाए फिर उसके बाद टॉपिक वाइज। हाँ, अब बच्चों की एक समस्या और आती है अक्सर, स्टूडेंट की सबसे ज्यादा समस्या होती है कि भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और दूसरी समस्या है, एक समस्या है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी समस्या क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैथ की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब बात सुनिएगा दोनों, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिपेंड करती है आप क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट को कितनी जल्दी दिमाग में डिकोड करते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए की आयु बी की आयु से 5 गुना है, सी की आयु डी की आयु से 6 की आयु से संबंध 9 गुना दे रखा है, तो डी की आयु बी की आयु से सॉरी सी की आयु बी की आयु से कितना कम है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बोला। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो दिमाग में कंसेप्ट लगना चाहिए क्या, पहले तुरंत रेशो बनाओ, तुरंत रेशो बनाया, फिर रेशो को कंपेयर किया कि यहां पर ए और ए कॉमन होना चाहिए, सी और सी यहां कॉमन होना चाहिए, बस। यानी कि डिकोड बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को डिकोड करते जाओ। मैं कोई क्वेश्चन कहता हूं आपसे, है ना सर, कंसेप्ट याद नहीं रहता, कंसेप्ट याद करने की चीज ही नहीं है गौरव, कंसेप्ट याद करते हो क्या कभी? कंसेप्ट होता है समझने का, लर्निंग, कंसेप्ट आपका लर्निंग है, सीखना, कंसेप्ट याद करना नहीं होता, कंसेप्ट होता है सीखना। आप जितना सीखते हो, अब वैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि लो भैया 15, 12 और 20 का एलसीएम, अब क्या आपको इसको ऐसे करने की जरूरत है क्या? एलसीएम आप ऐसे निकालोगे क्या पेपर में? नहीं, आप तुरंत निकाल देते हो 60, भाई क्यों करते हो ऐसा? मैं तो कहूंगा कि ये टाइम लगाओ इसमें आप 5 मिनट, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को पता है हमें 60 आएगा, हमें ये जरूरी नहीं है हर चीज को बार बार करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चन आपके सारे करे हुए आएंगे एग्जाम में,
तो जो चीज करी हुई आती है, आज मैं आपसे पूछता हूँ ले भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, आप 2 मिनट में कह देते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये अगर 10 साल पहले कोई पढ़ाई छोड़ के बैठा है ना उससे पूछूंगा ना तो वो भी बता देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साफ बात है, आप किसी चीज को अगर अच्छे से पढ़ चुके होते हो वो चीज आपके दिमाग में सेट रहती है, रट जाती है, और सारी चीजें डाउट बहुत हो जाते हैं। विकास कह रहा है, विकास के बहुत सारे डाउट होते हैं। विकास आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, उन डाउटों को रटो मत, आप उन डाउटों को सॉल्व करो कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस चैप्टर का डाउट है, ऐसे। ठीक है, कंक्लूजन ये निकलता है कि खुद से लड़ना पड़ेगा थोड़ी सी देर, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे से क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, मेरे से भी कई बार क्वेश्चन नहीं बनते, आप भी जानते हो चीज़ को। तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को मैथ नहीं आती, आपको जितना आता है वो आपके अंदर रहेगा, हमेशा रहेगा। आप कभी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कभी पीछे नहीं हो सकते। कितने आवर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप डेली बेसिस पे देखो, सुबह 11 बजे वाली क्लास क्या होती है, वो प्रैक्टिस ही तो होती है, वो प्रैक्टिस ही है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ वो भी आपकी प्रैक्टिस ही है एक तरीके से, वो सारी प्रैक्टिस ही चल रही है। प्रैक्टिस का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना कि कैसे किया मैंने और सर ने कैसे किया, और उसका कंसेप्ट अपने दिमाग में डालना, ये प्रैक्टिस है। सर मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन पाता है, काम करो उस पर पहले, आप अभी इजियर पे काम करो, अपने स्ट्रॉन्ग करो चीजों को। चलिए अब पढ़ाई कर लें स्टार्ट, है ना, पढ़ाई स्टार्ट कर लें। चलिए कंपैरिजन करते हैं, इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तरीका आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कि अगर आपके सामने एक ऐसी कोई सड़ सा आ जाए, यानी कि करनी आ जाए, तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका। आज ये क्लास में आपकी लंबी लूंगा, ठीक है ना, आज भी ये क्लास में आपकी लंबी लूंगा, शायद दीपक सर की क्लास आज ना हो, ठीक है, तो आज लंबी ले लूंगा क्लासे, कल तो बहाना ढूंढ लिया था हम लोगों ने, होगी क्या, चलो देख लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 होता है अगर नहीं लिखा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे इस आगे रूट का, ये 2 का 3 का 2 का और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम अगर 6 आ गया तो यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 कैसे आया यहाँ पर, 3 कैसे आया यहाँ पर, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ 2 का अगर आप डिवाइड करोगे 6 में तो 3 आएगा, तो जो डिवाइड करने पर आया वो पावर आ जाती है। अब ये बताओ 2 की पावर क्या आएगी, जो यहाँ रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट है ना, तो 3 का डिवाइड अगर आप 6 में करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है तो फिर से 2 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, फिर 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, ये आ रहा है 27, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 16। जो आपके सामने है वो है सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 की पावर 2, यानी कि ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा बी, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं है, है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे चलें, कंसेप्ट समझ में आया, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग करके बताएंगे, जिनको नहीं आया वो इस क्वेश्चन से समझेंगे। मैंने क्या कहा था, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम किसका लेना है, इस 3 का, इस 4 का, इस 6 का, इस 3 का, तो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब 3 को आप 12 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 4, तो यानी कि जो ये 4 है ना अंदर, तो 4 की पावर 4 हो जाएगी। अब 6 की पावर कितनी होगी, 4 को अगर आप 12 में डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगी, 15 की पावर कितनी होगी, 2 हो जाएगी, और 245 की पावर कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, सबको पता है सर यही बड़ा है, सॉरी हाँ सही है यही बड़ा है, ऑप्शन नंबर, ये गलत लिखा है ना यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्लियर है, गलत लिखा हुआ था उसमें 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा। ऑर्डर अगर पूछो तो ऑर्डर बताइए, अगर मैं इसको बोल देता हूँ, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर आपने एलसीएम नहीं बोला था लेने के लिए, मेरे प्यारे भाई वो कौन सा क्वेश्चन था, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 3√2, 2√6, 5√8 और मैंने लिख दिया 3√7, अब मुझे बताओ इसका कंपेयर करो, अब इनमें और इनमें अंतर दिख रहा है क्या भाई, जो भी नाम था इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना जमीन आसमान का फर्क है, ये रूट्स हैं, ये सड्स हैं, सड्स जिनको हम करनी कहते हैं, ठीक है, और ये आपका सिंपल है, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं तो ये 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18, ये 2 जाएगा अंदर तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, 5 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 225, 5 अंदर जाएगा 25, 200 और 63। अब यहां पर इनसे कंपेयर कर लो बस, इनमें जो बड़ा वो बड़ा, अब क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है,
ये अलग टाइप होता है, वो अलग टाइप होता है, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। अगर मैं इसका पूछता हूं क्या आ रहा था ऑर्डर, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर आ जाएगा सबसे पहले चार नंबर, उसके बाद तीन, उसके बाद दो नंबर, नहीं तीन नंबर, ठीक है, चार चौक सोलह, सोलह सोलह 256, नहीं नहीं भैया गड़बड़ हो जाएगी, देखो 225 है और 256 है, फर्स्ट नंबर आएगा एक आएगा, एक आएगा, और फिर उसके बाद अपना आएगा कितना, तीन नंबर और उसके बाद दो नंबर, चार एक तीन दो, चार एक तीन दो, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर। आगे चलें, अंदर अंदर लेने के बाद कैसे जानेंगे, अंदर लेने के बाद तो ये सारे एक स्क्वायर रूट ही तो हो गए, बात समझ लो मेरी बात, अंदर जाने के बाद ये सारे अपने आप में स्क्वायर रूट ही तो हैं, ये सारे सेम ही तो हैं, अब जो बड़ा वो आंसर, जो बड़ा है वो आंसर है, सर कंपेयर पता ही नहीं चलता है, है? काहे नहीं चलता है भाई बताइए प्रकाश, ये 245 की घात 4 है, ये सबको बड़ा दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, अब आप इतना तो जानते ही होंगे ना, 225 और 216 में 225 बड़ा है, बताइए, जानते होंगे ना इतना तो, इतना तो बुझा जाएगा ना, हाँ, इसको पहचाने कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि हमने किया ना, ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं ना हम आपको, एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये पावर्स बन जाएंगे अपने आप, जब चार या तीन है तो आप सबको अलग अलग संख्या में बदल परिवर्तित कर दीजिए, इनका अपना अलग अलग मान होता है, तो कंपेयर कर लीजिए, है ना, क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखो कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सर जी बिना एलसीएम वाला, बिना एलसीएम वाले में क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए, बिना एलसीएम वाले में क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए, चलो बताऊंगा, बिना एलसीएम वाला बताऊंगा, जबकि कुछ होता नहीं है, आपको टेंशन मत ले रहा करो आप, अभी एक ठो क्वेश्चन कराया है उसमें भी समस्या आ गया, जब हम एक ठो दो ठो क्वेश्चन कराएंगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहां पर 0.5 का स्क्वायर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, अभी कल मैंने बताया था ना कि अगर 0.5 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट कितनी बार आएगा बाहर, दो बार निकल कर आएगा, जब हम रूट निकालते थे, जैसे कि 0.25 का मैं रूट निकालता था मान के चलो, तो मैं क्या करता था, इसके दो छोड़कर पॉइंट है ना, तो बाहर निकलकर एक छोड़कर आएगा जो कि 25 का 5 हो जाएगा और दो पॉइंट का एक पॉइंट, सेम काम स्क्वायर में होता है, अगर आप 0.5 का स्क्वायर कर रहे हो तो एक छोड़कर नहीं दो छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.25। अब आप मुझे बताइए 0.49 का रूट क्या होगा, मैंने बताया था ना कि अगर दो छोड़कर रूट आ गया तो 0.7 आता है, 0.7 आता है, ध्यान रखना, अगर तीन छोड़कर आया पॉइंट और यहां रूट क्यूब लगा हुआ है तो इसके तीन टुकड़े होंगे, यानी कि 0.2, 0.2, 0.2, तो इसमें से आपका एक हिस्सा निकलेगा, यानी कि 0.2, और ये कितना है 0.23। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये तो मेरा 0.20 है, ये मेरा 0.23 है, ये मेरा 0.70 है, ये मेरा 0.25 है, बड़ा कौन हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कौन सी सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी तो ये है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, कोई सर इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ी, एलसीएम हमेशा सेम तरीके के प्रश्न में लिया जाता है, जहां पर सभी जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है ना, स्ट्रक्चर सेम होता है, 0.70, अरे पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चलिए मैंने तो ऐसे ले लिया, 0.7 को 70 ही तो बोलेंगे, ठीक है, चलिए सर पिछले वाले में वर्ड प्रॉब्लम करा दीजिए, सर यहाँ क्वेश्चन आते हैं क्या, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एनटीपीसी में, ये लो नितेश ने क्या पूछ लिया, हम तो घबरा गए, कोई बात नहीं नितेश, इस क्वेश्चन को करो, चलो यही क्वेश्चन आते हैं, अरे यही तो आते हैं क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, आंसर निकालिए, कंपैरिजन कराइए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां अगर 0.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यार क्या हो सकता है, ये रूट ही तो है, अगर 0.5 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 1/2 है, अब 1/2 है इसका मतलब ये रूट ही तो है, और रूट क्या होगा, दो छोड़कर पॉइंट है तो पहले तो एक छोड़कर पॉइंट आएगा, 289 का क्या हो जाएगा 17, और 17 में भी एक छोड़कर आएगा, यानी कि ये 1.7 आ गया, अब 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
पॉइंट 25 हो जाएगा, यानी कि एक छोड़कर नहीं दो छोड़कर पॉइंट आएगा 5 के स्क्वायर का, यानी कि ये कितना हो रहा है 1.75 हो रहा है। अंतर देखो कितना क्लोज है, ये 1.70 है, ये 1.75 है। अब अगला देखते हैं, 1 + 0.5 कितना होता है 1/2, और नीचे भी 1/2, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री हम जानते हैं 1.732 होता है। अब आप कंपेयर करा लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मजा आ रहा है ना इन क्वेश्चंस में, यहाँ बहुत बारीक चीजें चलती हैं। तो सबसे बड़ा तो हमें पता लग गया ये है, लेकिन आपसे बोला था ऑर्डर निकालने के लिए, अगर बोला जाए तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आपका निकल के आ जाएगा कि ये अगर पहला है, ये अगर दूसरा है, ये अगर तीसरा है, ये अगर चौथा है, तो ऑर्डर आ जाएगा 3। उसके बाद में देखो पॉइंट 7 के बाद भी देखो 0 है, 5 है और 3 है, तो यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद आएगा अपना 2, उसके बाद आएगा अपना 4, और उसके बाद आएगा अपना 1, तो 3, 2, 4, 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 2 में से अगर पॉइंट 25 जाएंगे तो आपने 1.75 कैसे लिख दिया। अब ये कैसा डाउट है बताइए भाई, 2 में से अगर आप पॉइंट 25 घटाओगे तो 1.75 ही तो आएगा, ठीक है। और पॉइंट √3 कितना होता है, 1.732 होता है, 1.732 होता है। अगर आपको रूट में भी दिक्कत है तो आप ऐसा करो, देखो कितनी चीजें बताता हूं मैं आपको, एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज बता देता हूँ। रूट टू कितना होता है ये भी नहीं पता होगा, रूट टू कितना होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है, ठीक है। रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री ये होता है 1.732, ठीक है। रूट फोर कितना होता है, ये तो दो ही होता है। रूट फाइव कितना होता है, 2.23। रूट सिक्स कितना होता है, 2.44। रूट सेवन कितना होता है, 2.64। आ जाओ अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। देखो अगर आप मान के चलो भूल भी जाएं, ठीक है, मान के चलो भूल भी जाएं, तो यहां देखिए इनमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, लगभग लगभग 0.32 का। इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है भाई, 0.73 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि दो आ जाए, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये आ रहा है 0.27 का, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है भाई, इसमें और इसमें अंतर 0.23 का, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, 0.23 का आ गया, और इसमें कितना आ रहा है, 0.21 का, और इसमें कितना आ रहा है, 0.20 का। यानी कि डिफरेंस देखो 0.32, 0.27, 0.23, 0.21, 0.20, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब आपको कैसे याद रहेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया रूट 7 बताइए क्या होगा, लेकिन आपको रूट 4 तो याद है ना कि 2 होता है। अब 4 से आपको 7 पे जाना है तो कितने इंटरवल कवर करने पड़ेंगे, 3 इंटरवल, और एक इंटरवल आप मान लीजिए लगभग कितना होता है, 0.2 होता है, लगभग मान लीजिए 0.20 मान लीजिए, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.7, यानी कि 2.60। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, लगभग मैंने मान लिया 0.20, 0.21, 0.22, आप अपने हिसाब से मान लो। अब आपसे मैं कहूंगा भैया लो मुझे निकालना है 0.5 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको 0.4 रूट 4 पता है, रूट 4 2 होता है, आप जानते हो 0.21 22 के अंतर आएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 2.2 के करीब, तो ये आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर तो ये आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाडली, इससे पढ़ लो, इससे समझ में आ जाएगा, पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है। देखो हाँ, वर्ड प्रॉब्लम मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एलसीएम क्या लूंगा, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, यानी कि एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब 2 की पावर क्या आएगी, बेस आपका 2 है तो पावर क्या बनेगी, 6, क्योंकि यहां 2 होता है ना, दिख नहीं रहा लेकिन 2 होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, ध्यान रखना, पावर 12 मत कर देना, रायता फैल जाएगा भाई, फिर मैं नहीं समेटूंगा रायते को। यहां रूट है, इसका मतलब 2 होगा ही होगा, ठीक है ना, तो 2 का डिवाइड करना है, क्योंकि आपको सर वहां तो 2 लिखा ही नहीं था, तो लिखा नहीं था इसका मतलब होगा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ये संख्या के ऊपर ऐसे रूट लगा हुआ है इसका मतलब 2 ही है वो, ठीक है, तो कुछ नहीं रहता तो 2 ही मानना है इस तरीके से। अगर यहां 3 लिखा हुआ है तो 3 का डिवाइड कर दो, यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5
चार में, चार से इस पावर को चार है ना, चार रूट चार, तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका हो जाएगा 5 की पावर 3 और इसका हो जाएगा 2 की पावर 4। अब यहाँ देख लीजिए 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 3 की पावर 4 कितना होता है, देखो तो सही, अब सॉल्व करके आंसर आ गया। अब 3 3 होती 27 81, ये 125 हो रहा है और ये हो रहा है आपका 64, नहीं 4 4 2 2 4 2 8 2 16। अब आप मुझे बताइए कि कौन बड़ा है, अब बड़ा तो हमें एक ही चीज दिख रही है, पांच वाला बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 5 आपका सबसे बड़ा है ना, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 आपका ऑर्डर हो गया, क्लियर है। सी वाले कहां है भाई, दिख नहीं रहे मुझे, सी कौन दे रहा था, एनटीपीसी टीसीएस करवाएगा। नेक्स्ट आंसर निकाल के बताओ, करिए प्रैक्टिस करिए जल्दी से। चलिए आंसर आ गया, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन डिवाइड करके रखोगे तो 2 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 6 की पावर 2, अब तो किसी को पावर बनाने में दिक्कत नहीं है ना। ये कितना आ रहा है, 64। ये कितना आ रहा है, 81। ये कितना आ रहा है, 64। ये कितना आ रहा है आपका, 36। अब यहाँ पर 264 आ रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि हमसे बोला गया सबसे बड़ा, तो आपको सबसे बड़े पर फोकस करना है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करके बताइए, करके बताइए सर वो 30 टेस्ट कब से करवाएंगे, जब बताऊँ, देखो चुपचाप करवा लूंगा क्या मैं, बताना मेरे को, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पता ना चले और मैं टेस्ट करवा लूँ, ऐसा चाहता हूँ कि जब होगा तो बता दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर ये है। अब मुझे पहले इसमें कंपैरिजन कर लूँ कि ये कितना आ रहा है ना, इसमें कंपेयर कर लेता हूँ जिससे कि मेरी आसानी हो जाए थोड़ी सी, अगर आसानी लगवाना चाहूँ तो मैं, ठीक है भाई। चलिए तो मेरी क्या इच्छा है कि मैं इसको अगर सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब ध्यान से सुनो यार, ये मैं करता क्या हूँ आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं करता क्या हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पावर है ना, ये 1/6 है सबकी, इसकी भी पावर 1/6 है, इसकी भी पावर 1/6 है, ये एक्चुअलिटी है इसकी, आपको दिखती नहीं है क्योंकि जो ये एलसीएम लिया गया है ये पावर 1/6 है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पावर बराबर हो जाती है तभी तो मैं बेस को कंपेयर करता हूँ, मेरा लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक यही तो होता है कि अगर सर आप किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हो तो वो तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपकी पावर्स बराबर हो जाएंगी, अब आपका ए और बी में से जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका जो आंसर बनने वाला है इस प्रश्न का, आपको निश्चित तौर पर दिख जाएगा कि क्या बनने वाला है, केवल और केवल, देखो गलती ना करना क्योंकि आप सोचते हो कि अगर मैं 4 का अगर 1/6 निकालूंगा तो 1.5 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। 27 का मैं √6 निकालूंगा, यानी कि इसके 6 टुकड़े करने, 6 टुकड़े अलग अलग, नॉट पॉसिबल। 25 का मैं 1/6 निकालूंगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा तो यही है क्योंकि हमारे पास ये 1/6 की पावर नहीं है, 1/1.5 है, ये अलग से 1.5 अलग से एक नंबर है, नंबर है, इसमें कोई रूट वूट थोड़ी ना लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, सेम होते हैं ना, सेम तो आपस में कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि सबकी पावर सेम होती है, हमें बस इनसे कंपेयर करना होता है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर हमारे सामने अलग अलग, देखो ये अलग अलग कास्ट का आ गया मान के चलो, तो यहाँ पर आपके सामने वो वाली बात आ गई कि भैया मैं इसको इससे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये शर्मा जी हैं, ये बनिया जी हैं, बात समझ में आ गई। 1/6 वाला रूल लास्ट, हाँ भाई कौन है ये, अब ये लंबा ब्लॉक जाएगा, ये फिर कभी भी नहीं उठ पाएगा, इतना बड़ा आंसर क्यों दे रहे हो भाई, मजा आ रहे हैं, ठीक है ठीक है।
बस वही वाली बात है, यहां से हाथ नहीं जाता बाहर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, इनमें से कौन सी संख्या रूट थ्री के निकट है? तो क्या है, 1.732 होता है, आप जानते हो अभी 1 point. क्या समझ में नहीं आया क्या? देखो मेरी बात सुनो, इस वाले में देखते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में मैंने कहा था कि आप इसका 2 सेकंड में आंसर निकाल देते हो ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या रूट दो है ना, निकालना निकालना, एक मिनट मुझे, एक मिनट दोबारा बताओ, इसका क्या करते हो आप लोग, इसका क्या करते हो आप, इसके साथ ये एक जैसे है ना सारे, ये सारे के सारे शर्मा जी है ना, सारे के सारे शर्मा जी है ना, तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम कितना लेते हो, 12 ले लेते हो ना, एलसीएम लेने का मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है, अंदर क्या आएगा हमें उससे मतलब है, पावर तो सेम हो जाएंगे, एलसीएम कुछ भी आए पावर तो अंदर पावर तो सेम रहनी है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह देता हूं कि यार डायरेक्ट कंपेयर कर लो, जो बड़ा आएगा वो आएगा, ऐसा इसलिए कह देता हूं क्योंकि इन सभी के ऊपर इनकी पावर है 1/12, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगर एक जैसे परिवार के हैं, यानी कि शर्मा जी हैं, तो आपके सामने एक केवल एक क्राइटेरिया बचता है कि आप बेस को बराबर, बेस को देख लीजिए कौन बड़ा है, पावर तो सेम है, अगर पावर सेम है देख लो, ऐसा देखो, अब देखो क्या हो गया, मैं इसका इससे गुणा करता हूँ तो ये बन रहा है ना √2, मैं अगर पावर के ऊपर पावर आपस में गुणा करूंगा तो बन रहा है ना √3 का √3, अपने आप बन रहा है, ये यही संख्या तो आ रही है, दिमाग लगाया कि बेस को अगर कंपेयर करना है तो पावर को बराबर कर दो, इसलिए एलसीएम लिया जाता है। 1.3 में क्या था, 1.5 में क्या था, ये अलग अलग है, ये अलग ही है, इसको तो कोई मतलब भी नहीं है उनसे, ठीक है, उसको तो कोई मतलब भी नहीं है उससे, भाई हमने देख लिया कि भाई ये तो छोटे छोटे आ रहे हैं, इसके कहां से टुकड़े करेंगे, ये तो 1.5 अपने आप में एक नंबर है, इसकी पावर तो एक है, ठीक है, 1.5 का पावर 6 भी सर अनपरफेक्ट सबसे छोटा, लेकिन सर सब इंडियन ही है, यार क्या मतलब, बिल्कुल मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ ले जाते हो तुम। नेक्स्ट करिए, चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी स्टूडेंट, मैंने देखा कि सबसे निकटतम क्या है, ये 1.75 है, ये 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, मेरे को पता नहीं, पांच एकम 5 मेरी नहीं है, मेरी क्या शंभू के पास, ठीक है 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है, एक मिनट क्या कह रहे हो आप सर, जो रूट थ्री है वो 1.5 से बड़ा हो जाएगा, बात तो सही है आपकी, बात तो आपकी पते की है, यानी कि इसका आंसर आएगा सी है ना, क्योंकि ये तो इससे बड़ा है ही, सही है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, चलो 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 काम करो,
इसको देखो क्या कह रहा है, इसको कह रहा है 1.73 सबसे ज्यादा पास यही है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट करके बताओ, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। क्या रहा है आंसर, क्या लोगे एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा आपका 12, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो यानी कि ये कितना हो गया, 9 की पावर 4, 3 की पावर 6, 16 की पावर 3 और 80 की पावर 2। मुझे यहाँ दिख रहा है 6400 सबसे ज्यादा यही दिख रहा है अभी तक के तो केस में। 16 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 16 का क्यूब हो गया, ये कितना हो जाएगा 40, 96 हो जाता है। ठीक है, 3 की पावर 6, 3 3 29 27 81 ये नहीं बैठेगा। 9 की पावर 4, हाँ ये देख सकते हैं एक बार अपन, 9 का क्यूब हो जाता है 729। अब 729 81 करेंगे ना तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 6561 आ रहा है, 81 की पावर 81, 6561। तो ये जीत गया भाई, तो अब इलेक्शन कौन जीता है, ये जीतता है 9। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा ना, ए आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, क्या कर पा रहे हो? ठीक है, समझ में आया, मजा आया। चलो अगला प्रश्न करिए। अब ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, वहां तो अपन एलसीएम ले रहे थे, यहां अगर कंपेयर करना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर अगर कंपेयर करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एससीएफ लेना पड़ेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि एक ऐसा एससीएफ ले लो जिससे कि पावर सबकी बराबर हो जाए, काम पावर को बराबर करना है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, इनका एससीएफ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 12, 3 की पावर 3 है ना, 3 हो जाएगा, 3 की पावर 4 की पावर 12, ठीक है, 4 की पावर 3 की पावर 12, 5 का स्क्वायर की पावर 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन बड़ा आ रहा है, जो अंदर वाला होगा वो बड़ा है, ये 32 है, ये 81 है, ये 64 है और ये आपका 25 है। तो यानी कि मुझे दिख रहा है कि 3 की पावर 48 ही आपका बड़ा है, ठीक है, 3 की पावर 48। तब पिछले में क्या हो गया, 729 हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लिया करो, देखो यार, अरे कैसे हो रहा है 729, 81 का स्क्वायर हो रहा है ना भाई, क्या दिक्कत हो रही है बताना मेरे को, 81 का स्क्वायर यही तो होता है। नाइन का क्यूब हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, सेवन ट्वेंटी नाइन इंटू नाइन तो क्या हो गया, मैंने उधर लिख दिया तो होगा तो यही, चलो इस क्वेश्चन को करो, आ गया तुम्हारा मनपसंद क्वेश्चन, तुम्हारे दिल के बहुत करीब क्वेश्चन आ गया है, इसको करो। अरे वो पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था, फिर आपने बताया कि ये 81 हो रहा है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मिटाया नहीं वहां से।
कैसे करोगे? अब देखो, अब यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे क्या? कौन कौन स्टूडेंट है जो एलसीएम लेने की सोच रहा है? आप सोचना नहीं है एलसीएम लेने का इसमें? क्यों नहीं सोचना सर? क्योंकि यहाँ पर ये रूट में थोड़ी ना है, ये तो एक नंबर है, यानी कि अंदर चला जाएगा तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 3 अगर अंदर चला गया तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 6 अगर अंदर चला गया तो 36 × 5 = 180 हो जाएगा, 4 अगर अंदर चला गया तो 20 × 80 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या हो रही है, आपको ये दिख रहा होगा 6√5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अब आपको करना है फटाफट करो। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आंसर दीजिए फटाफट, आप लोग ही देंगे। इतना समझाने के बाद अगर बड़ी वैल्यू ऐसी हो तो सर क्या करेंगे? गुणा करना पड़ेगा अनुश्री, देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, और इतना बड़ा नहीं आता। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। कंपेयर कर लीजिए कौन बड़ा आ रहा है, आप आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर जो भी आ रहा है आपका, क्या निकल कर आ रहा है? ए निकल कर आ रहा है ज्यादातर लोगों का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। इसमें क्या करोगे? मैंने क्या बताया था, अगर पावर्स आ जाए तो क्या करेंगे? अगर पावर्स आ जाती हैं तो क्या किया जाएगा? एससीएफ निकालोगे, 100 आ जाएगा ना, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 7। यानी कि ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 7, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, कौन सा इसमें कथन है। यहाँ बोला गया है कि 3 की पावर 33 या 33 की पावर 3, 33 का क्यूब 333 से ज्यादा होगा, 3 की पावर 33 333 से ज्यादा होगा, ये दोनों तो सत्य है ही, ये दोनों तो निश्चित तौर पर सत्य हैं। वैसी बात है यार, अगर आप 33 की पावर 3 करोगे तो होगा ही, अगर आप 3 की पावर 33 करते हो और 33 की पावर 3 करते हो तो भी ये बड़ा ही आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1st, 2nd, 3rd ऑप्शन नंबर डी। यही समझ में नहीं आता, बाकी सब आ गया लाडली, आज के बाद कोई डाउट ही नहीं आएगा। फिर इसमें क्या दिक्कत है यार, कॉमन सेंस करना है बस, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर बोला गया है 3 की पावर 33, ऐसे लिखा हुआ है, अब 33 की पावर 3, अब मुझे बताओ किसी भी संख्या को 33 दो अंकों की संख्या है, इसका क्यूब करोगे तो मैक्सिमम कितने अंकों की संख्या आ सकती है? 6 डिजिट नंबर आ सकता है, मैक्सिमम 6 डिजिट नंबर आ जाएगा, 7 लगा लो और क्या कर सकते हो आप। ठीक है, अगर 3 की पावर 33 बार गुणा करोगे तो क्या ये 7 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा ना, तो ये बड़ा हो गया, तो फर्स्ट वाला तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो 33 की पावर 3 है ना, 33 की पावर 3 बहुत ज्यादा हो रहा है, 33 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, तो पावर 3 तो छोड़ो। ठीक है, एससीएफ क्यों लोगे इसमें? एससीएफ भी ले सकते हैं ना, क्यों लोगे एससीएफ जब साफ साफ दिख रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो ये हो गया, अब ये भी हो गया भाई, इसका काम नेक्स्ट करो। चलिए करके बताइए क्या आंसर आएगा आपका, मजेदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे। अब यहाँ पर देखो
जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख देगा, जरूरी थोड़ी है ना, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है कि वो 1/3 लिख के देगा आपको। तो पहले वाले में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम 6, पहले वाले में एलसीएम आएगा 6 मेरा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 13 की पावर 3 और 47, ठीक है। तो क्या 27 का स्क्वायर 13 की पावर 3 से ज्यादा होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729, और 13 13 की पावर 3 कितना होता है, 13 की पावर 3 हम जानते हैं, ये कितना हो जाएगा बताओ, 17 2197। अब देखो बोला गया है कि ये बड़ा गलत है, पहला वाला तो पहला गलत हो गया, समझ में आ गया कि भैया पहला तो गलत हो गया ना गलत, ये बोल रहा है कि भैया 47 बड़ा है, पहला गलत दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, तो फिर नेटवर्क ले आएंगे क्या भाई? अच्छा मेरे से उससे बोल रहा है, पहला गलत, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लोगे एलसीएम, इसमें भी 6 लोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 23 का स्क्वायर 49 की पावर 3 और 52। तो क्या 52 आपका बड़ा हो सकता है क्या कभी भी इनसे, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, जब दूसरा वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, अब केवल तीसरा हो सकता है या डी हो सकता है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 53 का 53, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर और ये 37 का क्यूब, ये लग रहा है कुछ इससे फीलिंग आ रही है, क्योंकि देखो ये बड़ा होगा, ये छोटा है, सबसे छोटा ही है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, मजेदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये दोनों मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में, ठीक है, तो चीजें सीख रहे हो, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, बस ये भी क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, इसको भी करना है। अब देखो कभी भी देखो, आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया हो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल लॉजिक है, हमें क्या करना है, पहले इनका निकालो, उल्टा आंसर देना है, वन अपॉन का मतलब क्या है, उल्टा आंसर दे दो, वन अपॉन का मतलब उल्टा आंसर दे दो, यानी कि पहले आप एलसीएम ले लो, अपना काम कर लो पहले, ठीक है, 29 की पावर 3 और ये √5, जैसा मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ गड़बड़ हुई है मेरे से शायद, यहाँ पर 4 आएगा दोस्त, है ना, यहाँ पर 4 आएगा, सारे ऑप्शन में 4 है ना, 4 आएगा, ठीक है, लेकिन अभी सही कर लेना। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम कितना ले लूंगा, एलसीएम लूंगा मैं 12, और एलसीएम अगर मैं 12 लेने वाला हूँ तो मेरी पावर कितनी हो जाएगी, 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6। अब बड़ी समस्या, कैसे करें सर? देखो कॉमन सेंस हमेशा जिताएगा आपको, कॉमन सेंस जिताएगा आपको हमेशा, ये हम जानते हैं सर, ये हो जाएगा मेरा 125 गुणा 125, हाँ या ना, ट्वेंटी नाइन की पावर 3, ये आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 30 की पावर, यानी कि 27,000 से थोड़ा सा कम, 27,000 से थोड़ा, 27,000 30 से होता है ना, थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा, ये करीबन आएगा 26,000, 27,000 हो गया ना, ये हो जाएगा 24,000 आएगा, यानी 25,000 आएगा, है ना, 24 25,000 आएगा, 25,800 ऐसे कुछ आएगा, 24,389 आएगा, 24,389, ठीक है।
12 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1728 12 का क्यूब होता है इनटू 12। अब यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपके सामने इसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ये कितना हो जाएगा, 150, 156। समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है ना अब। इसलिए कहता हूँ कि हर एक चीज जरूरी होती है, हर एक चीज जरूरी होती है, ठीक है। यहाँ तो ये खत्म हो गया भाई, यानी कि हमें पता लग गया कि ये इससे तो छोटा है, यानी कि ऑप्शन में देखिए, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। 1/1 में तो बड़ा होगा ना, 1/√5, ये आपका बड़ा होना चाहिए √29 से, यानी कि जो आपका आंसर आएगा ये तो नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैंने ऊपर ले रह के निकाला है और यूनिट डिजिट से भी हो गया, यूनिट डिजिट से कैसे हो जाएगा। चलो चलो ठीक है ना, तो सी और डी में अब तुक्का लगा देंगे, है ना, सी और डी में तुक्का लगा देंगे, जिसका सही उसका ठीक, उसका कोई बात नहीं, है ना। वाह भाई वाह मेरे शेरों। चलिए तो क्या बोलेंगे भाई, इसको करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 12 × 8 = 96, 6 × 9 = 12 × 2 = 24 और 9 = 31, 24 और 9 = 33, और 12 × 7 = 84 और 3 × 7 = 87, 8 × 12 = 20। तो अब देख लीजिए बस, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा आ जाएगा अपना ये, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि सी। क्लियर है, चलिए। टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे तो, लगता है टाइम, 2 घंटे का टाइम आता है मेंस में, आपको 2 घंटे का समय मिलता है, पर टाइम नहीं लगेगा यार, ये मैं जानता हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों, आपको स्क्वायर आता है, आपको 29 का क्यूब याद है, ये होना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना, मैं निश्चित तौर पर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना, तो आपको टेबल स्क्वायर क्यूब ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप घर पे करके लाना, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, 5-7 क्वेश्चन है, आपका होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो आप इनको एक बार कर लाइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे 4 बजे।